हे गाइस, आज हम देखने वाले एकदम ट्रेंडिंग रील और भी बहुत कुछ इसी वीडियो के अंदर, तो चलिए देखते हैं। पहाड़ी लड़की ना हमेशा शेरनी होनी चाहिए, क्योंकि क्यूट तो हमारी बिल्ली भी है। भाई ये बोलने का थोड़ा तरीका अलग था लड़की का, लेकिन देखनी है मेरे को भी बिल्ली, और हमारा बिल्ला भी बहुत ज्यादा ही खुखार है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। भाई फुल चाटम चाट चल रही है यहाँ, तो फुल चाटने में लगा हुआ भाई। भाई नीचे जाके घर जाके और खिला दूंगा, ये इनपे इतना पैसा आएगा फिर भी चाट रहे हैं ये लोग। ये लोग गरीब ही अच्छे थे, और घर जाकर उधर चाची की भी तो पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितने अपनों को गले लगाए। मजाक से हटकर बहुत ही गजब शायरी है भाई की। देखो भाई, तुम बनाते रहो, लोगों का देना है काम, हेड देना है, हेड देते रहेंगे, और मैं भी उनके साथ हूँ। आप सलमान खान से कुछ बात करना चाह रहे थे? हाँ, मेरे को ये था कि प्रो सेना को लेकर के जो भी कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें बोली जा रही है ना बिग बॉस, वो गेम के प्रस्पेक्टिव में केवल मुझे बोली जाए। हर चीज में ब्रोसेना को लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत रिस्पेक्टफुली मैं चीजें बोल रहा हूँ बिग बॉस, क्योंकि मैं इस घर के अंदर इस गेम की चीजें खेलना चाहता हूँ। मेरी कम्युनिटी बाहर क्या कर रही है, वो इस गेम के अंदर बिग बॉस मेरे ऊपर हावी हो रहा है। पूछ रहा हूँ, बात तो सही है, घर छोड़ना है? जी बिग बॉस, आप अपनी इच्छा से। ये साला बिग बॉस इसको भगा क्यों रहा है? घर छोड़ना चाहेंगे ना? अगर ये चीजें चलती रही बिग बॉस, तो मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगा बिग बॉस। फाइनली यार, जोकर भाई तो जा रहे बिग बॉस से। अब पता नहीं जा रहे नहीं जा रहे, लीड तो नहीं है, कहीं नहीं जा रहे हो तो भाई अपना राइड करके अच्छा पैसा कमा रहा था, फालतू में इधर आ गया। अब जोकर लिखने में भी जोकर नहीं आ रहा भाई, अब ये भाई आ रहे हमारे, बहुत ही गलत हुआ। लेकिन बहाना सही बनाना था भाई को निकलने से पहले। देख रहे करने के लोग पार्ट से एड शॉट लग नहीं रहा। जैसी करनी वैसी भरनी और पट से एड शॉट। भाई ये स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, स्क्रिप्टेड नहीं है ये अच्छा वीडियो है भाई। बहुत सारे स्क्रिप्टेड वीडियो रहते हैं, अब नहीं बना सकते भाई, रियल टैलेंट है। कोई बात नहीं, हेडशॉट पड़ेगा तो क्या दिक्कत है, बुरा ना मानो, दीपावली है। समझ रहे हो ना। ईशा का चक्कर था बेसिकली, कि उसकी वजह से ना मैं बहुत हाइपर रहता था। ओके, प्लस इतनी सुंदर को तो ये था कि इतनी सुंदर लड़की गर्लफ्रेंड बन गई, तो थोड़ा सा वैसा सा हो गया था। और उससे लड़ाई के चक्कर में बाकियों से लड़ाइयां होती थी मेरी, और जब वो गई। ईशा बहुत सुंदर थी यार, बहुत सुंदर। मेरे पास पैसा बहुत था, पर मेरे पास सुकून नहीं था। ईशा जब गई थी ना भाई, मैं सुकून ढूंढता था कि मैं कहां, मेरे को नींद आ जाए। मैं 6 महीने सो नहीं पाता था पूरी रात। 6 महीने नहीं सो पाता था, जिंदा कैसे? बत्ती देने का भी हिसाब होता है भाई, इतनी बत्ती मत दो कि आग वाग लग जाए, सबको पता चल जाए। जगता था, लड़की को पास जाता था, नहीं होता, मैं हग करता था, नहीं ईशा को पता चल जाएगा, मैं जा रहा, मतलब मैं साइको हो गया था। और वो लड़की तो सोचती है कि पागल है। तो भाई क्या प्यार है, उधर जब कोटो पे चले जाने के बाद याद आता था, अरे नहीं ईशा आ जाएगी, जाने से पहले याद नहीं आता था। प्यार तो है, और ईशा भी खूबसूरत है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। उसके तुम आप चिट्ठा खोलो तुम्हारे स्टेरॉइड का। अब मेरे पीछे क्यों बोल रहा है? मैं सेलवान भाई खुद स्टेरॉइड पर है,
हे प्रभु हे प्रभु हे हनुमान छोटे जल गए। इसको बोलते हैं उड़ता तीर, गेंद में लेना। पहली बार देख रहा हूँ मैं, हमेशा सुनता ही था कि उड़ता तीर ले लिया, उड़ता तीर ले लिया, आज उड़ता तीर हमने गेंद में लेते हुए देखा। तूतक तूतक तूतियाँ, ओ माय गॉड, तूतक तूतक तूतियाँ, ये हवेली है भूतिया। तूतक तूतक तूतियाँ, ये हवेली है भूतिया। तूतक तूतक तूतिया, ठूसा ठूसा ठूसा, तूतक तूतक तूतिया, कपिल है। कपिल के शो में कपिल को ही पेल दिया, सही है। उधर कपिल सबको तोड़ रहा है, उधर कपिल को यही तोड़ दिए। लेकिन इस बात से हम हुए की बात समझ में आती है, बोलो जुवा केसरी, दाने दाने में लेजेंडरी रिप्लाई। आप लोग इतने ज्यादा फेमस हो चुके हो बाबू, यार जोकर भैया, इंटरनेट पे ऐसे बकरा टाइप करता हूँ तो अनुराग आपका फेस आ जाता है, लेकिन गर्दन का बकरा आ जाता। लेकिन मुझे आप बड़े क्यूट लगते हैं, सच में कहूँ मैं, क्योंकि जब आपका नेक लो होता है ना तो ऐसे लगता है कंगारू की मम्मी हो आपका बच्चा बाहर। वो इधर इधर है ना, जो इधर थोड़ा टी शर्ट इधर खुली रहेगी ना तब दिखेगा तुम लोगों को। इधर जोकर भाई अपना कंगारू का बच्चा लेके घूमते हैं, ये क्या पेल दिया, इतना गंदा तो किसी ने भी नहीं पेला जोकर भाई को। अब जोकर भाई को भागना ही पड़ेगा बवासीर का बहाना लेकर। जरा ये हाथ ऊपर कीजिए, ये कौन सा फोटोग्राफर है? करेक्ट, हाथ ये इस तरफ, थोड़ी सी टांगे फैलाइए, थोड़ी टांगे फैलाइए ना। Very good. Yes, here we go. अरे अरे बहन की, ओए ओए, अरे ये टैलेंट तो शक्ति कपूर में ही है। तुन्ना तुन्ना, ले लूंगा सारी जगह के फोटो खुल्लम खुल्ला। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? शाहरुख भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ले भाई, एलविस भाई के बाद एक और छपरी मिल गया, SRK छपरी। बोलने से पहले क्या कौवा बिरयानी खा के आया था क्या? चारों बाय।